उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अवैध कब्जा हटाने गई प्रशासन की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। वहां सब्जी मंडी इलाके में जब अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई तो इसके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और उन्होंने खुदाई करने वाली मशीन को घेर लिया। इसके बाद देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। आखिर में वहां मौजूद डीएम को कार्रवाई रोककर उनसे बात करने पर मजबूर होना पड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़े जा रहे अवैध कब्जे के खिलाफ ये लोग नारे लगाते हुए धरने पर बैठ गए। काफी देर तक चले इस ड्रामे के बाद आखिरकार कब्जा हटाने आई टीम ने कुछ दुकानों में बाहर की तरफ निकली सीढ़ियों और कुछ जगहों पर अवैध रूप से बनाए हिस्सों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान कई पुलिस वाले भी वहां मौजूद रहे। सौभाग्य की बात है कि रायबरेली की सब्जी मंडी और उसके आसपास बहुत से दुकानदारों ने पहले नाली पर अवैध कब्जा किया, फिर सड़क भी घेर ली, जिसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका तक दाखिल करनी पड़ी। और जब हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन वहां अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया, जो दुकानदारों को अपना सामान समेटने के लिए कम से कम एक दिन का समय देने की मांग कर रहे थे।